So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career in fire management. दोस्तों आज मैं फायर वर्कर का इंटरव्यू ले रहा हूँ. मुझे उम्मीद है फायरमैन के लिए जो इंटरव्यू लिया जा रहा है ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस भी होंगे, एचआर क्वेश्चंस भी होंगे और मुझे लगता है कि ये सेशन हमारे बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है. तो मुक्ता वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल. यस सर. ओके मुक्ता, आपके नाम का मीनिंग क्या होता है? माय नेम इज पल्स. ओके. और मैं अपने नेम के अनुकूल भी हूं. ओके. एंड ऑनेस्ट पर्सन भी हूं. वेरी गुड. यस सर. तो मैं यहां पर अपने बच्चों को बताना चाहूंगा कि फायर के बारे में सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा यहां पर फायर इज हीट एंड लाइट फ्रॉम रैपिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल्स. तो पूछा जाए मुक्ता से, मुक्ता फायर कितने टाइप्स की होती है? There are five types. Okay. And class A. Class A. Okay. Yes, class A yes. में क्या क्या आता है? Class A में paper, wood, coal. Means solid materials आते हैं, organic yes, substances yes, आते हैं. Yes sir. जिसके अंदर paper है, wood है और coal है. Okay. And class B? Class B में petrol and oil. Okay. Petrol oils. Yes yes. And next? Next class C में आते हैं gases like propane, methane. Very good. तो ये वो gases है जो class C में आती है, methane, propane, acetylene. Yes yes sir. चलिए और next class? Class D में आते हैं sir material like metals. Metals like aluminium. Aluminium. And magnesium. Magnesium. And what about the next class? उसको क्या कहते हैं? Class F में. Yes. High temperature, okay. Fat and oil. Very good. High temperature, fat and oils हमारे class F में आते हैं. Yes sir. अच्छा मुझे ये बताइए आपकी एक fireman में क्या-क्या quality होनी चाहिए? Sir उसमें एक action जल्दी से जल्दी action लेने के लिए right. वो and okay. emergency के लिए तैयार रहे. Right. Impact publics के लिए भी. Okay. Public protection के लिए. Protection के लिए yes sir. Okay. और उसकी duties क्या आपके हिसाब से? मतलब उसका work क्या है? सर उसका वर्क यही है कि वो जल्दी से जल्दी yes. अपना कार्य करे. बिल्कुल अपना कार्य करे और मेन पब्लिक प्रोटेक्शन उसका कार्य. हाँ जी, isn't हाँ it? जी, हाँ जी. वेरी गुड. तो आपने फाइव जो टाइप्स बताई है फायर के वो बहुत अच्छे लगे मुझे. अच्छा मेरे को बताओ कोई पेशेंट अचानक पेशेंट नहीं गए यानी यही कहें कि फायर की वजह से कुछ प्रॉब्लम में आ गया और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे? सर CPR का यूज. अच्छा अच्छा आप उसे CPR देंगे मींस कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन. यस यस. ओके चलिए अब मैं आपसे रिमेनिंग क्वेश्चंस पूछता हूँ और देखता हूँ कि आप कितनी प्रिपरेशन करके आई है. यस सर. तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि आग का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है? आग का वर्गीकरण सर ईंधन एंड मटेरियल के आधार पर किया जाता है. ओके अच्छा फायर फाइटर सिस्टम में कौन कौन से पंप यूज होते हैं? जॉन. ओके आई थिंक इट इज सॉरी सर जॉकी पंप. जॉकी पंप. मेन पंप. मेन पंप. फायर इंजन पंप. वेरी गुड. चलिए और यहाँ पर क्या आप मुझे टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स बता सकते हैं? yes, कौन कौन से एक्सटिंग्विशर्स के प्रकार यूज होते हैं? श्योर सर. बताइए. वाटर. ओके. पाउडर. ओके. एंड फॉर्म. फॉर्म बिल्कुल सही. केमिकल्स. ओके. बट केमिकल्स. कार्बन डाइऑक्साइड एंड फायर ब्लैंकेट. ओके वेरी गुड. बहुत अच्छा आंसर दिया आपने. अच्छा मुझे बताइए थर्मोमीटर में ताप को दर्शाने वाले पदार्थ? थर्मामीटर में ताप को दर्शाने वाले पदार्थ का नेम है सर पारा. ओके मरकरी. यस वेरी गुड. और बर्फ का लेटेस्ट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, कितना होता है? 18 कैलोरी पर मीटर. इट इज 80 ग्राम कैलोरी पर ग्राम. बिल्कुल सही है. और कोई भी वस्तु जिससे बाहर होता है कहलाती है? ईंधन. आई थिंक पदार्थ. पदार्थ कहलाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. और आग का मुख्य खुराक किसे माना जाता है? ईंधन को सर. वेरी गुड. यस. और मुझे ये बताइए आग की तीन मूल आवश्यकताओं में प्राप्त वायु का कार्य करती है? ऑक्सीजन करती है सर. ओके मेन का मींस ऑक्सीजन करती है. यस यस. अच्छा मुझे आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. यस सर. कि पंप वैसे कितने टाइप्स के होते हैं? सर ये फाइव टाइप्स के होते हैं. कुछ नाम बता सकते हैं आप इनके? यस सर. बताइए मैं सुनना चाहूंगा आपसे. लोजी. रोटरी. इट इज रोटरी. रोटरी. यस. सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीफ्यूगल. यस. एंड लिफ्ट पंप. फोर्स पंप. बटेन पंप. बकेट पंप. ओके दीज आर द फाइव टाइप्स ऑफ पंप्स. चलिए अच्छा जवाब दिया आपने. और आगे बढ़ते हैं आपसे क्वेश्चंस में. चलिए मुझे ये बताइए कि ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या पाया जाता है?
सर उसमें ड्राई सिंगल पंप में कंप्रेस्ड एयर एंड एंड नाइट्रोजन. नाइट्रोजन. वेरी गुड. बिसाइड द जनरेशन ऑफ स्मोक एंड हीट, गिव टू अदर प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन. कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड. वाटर, यस. कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी गुड. आपने तो तीन बता दिए भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है. चलिए आपकी हॉबीज बताइए क्या है. माय हॉबीज आर प्लेइंग गेम्स ओके एंड मोटिवेशनल बुक्स. वेरी गुड. तो आप गेम्स खेलती और बुक्स वगैरह पढ़ती. यस यस सर. ओके. अच्छा आप मुझे ये बताइए आप कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लाइट वाटर ओवर एन ऑर्डिनरी वाटर एक्सटिंग्विशर. बाय कूलिंग. ओके. मींस इसकी जो पेनिट्रेशन है वो बहुत अच्छी है. yes, जिसकी yes, वजह से ये फायर एरिया को वेट कर देता है. यस सर. ओके. चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि नेम द टू टाइप्स ऑफ फायर अलार्म सिस्टम. कौन कौन से अलार्म सिस्टम यूज होते हैं. मैनुअल. मैनुअल एंड ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक, वेरी गुड. बहुत अच्छा. चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, व्हाट टू कलर्स आर जनरली एक्सेप्टेड फॉर डेंजर एंड नॉन डेंजर. रेड, रेड ऑफ डेंजर एंड ग्रीन, ग्रीन ऑफ नॉन डेंजर. वेरी गुड. रेड ऑफ डेंजर एंड ग्रीन ऑफ नॉन डेंजर. एंड व्हाट कलर ए फायर एग्जिट साइन बी. क्या क्या कलर होता है. एक्चुअली सर व्हाइट. व्हाइट इसका सिंबल होता है. यस. एंड और इसका बैकग्राउंड ग्रीन. वेरी गुड. बहुत सही. और व्हाट टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर वुड यू यूज ऑन ए पेट्रोल फायर. पेट्रोल फायर है तो कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होगा. ड्राई पाउडर. ड्राई पाउडर या फिर फोम भी यूज होता है. ओके सर. चलिए बताइए, इफ यू डिस्कवर अ फायर व्हाट एक्शन विल यू टेक. मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हो और ये कहें कि आपके पास कुछ ऑप्शंस नहीं है, आप जल्दी जल्दी क्या क्या करोगे. सबसे पहले एक्चुअली सर उसके घर में कंबल होगा. यस. और पर्सन के कपड़ों में आग लगी हुई है. यस यस. सबसे पहले मैं उसे वो कंबल से लपेटूंगी. ओके. ताकि वो. और आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं. जैसे मान लीजिए फायर लग जाए तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं. आप अलार्म लगा ऑन कर सकते हैं. ऑन कर सकते हैं और हर किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप बाहर रहिए. बाहर रहिए. और मेरे ख्याल से एक्शन फॉर फायर. एक्शन ऑन फायर. बिल्कुल. yes. आपको फायर पे भी एक्शन लेना चाहिए. हाँ जी. चलिए अब यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों कि स्मोक डिटेक्टर्स के दो टाइप्स होते हैं. एक तो होता है आयनाइजेशन डिटेक्टर और एक होता है ऑप्टिकल डिटेक्टर. तो दीज टू क्वेश्चंस वुड बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू. और अगला जो मेरा क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, नेम टू टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एजेंट्स दैट आर रिकमेंडेड फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर्स. कार्बन डाइऑक्साइड. यस. एंड मिट्टी. मिट्टी बिल्कुल सही है भाई. सैंड को यूज कर सकते हैं आप. कार्बन डाइऑक्साइड इवन ड्राई पाउडर. ओके. और वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर जो है वो फायर्स को कूलिंग वगैरह करके कंट्रोल में करता है. yes, sir. उसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ्स क्या है. माय स्ट्रेंथ इज मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ एंड पंक्चुअल हूँ. ओके. एंड इट. और आप मुझे ये बताइए कि आप में वीकनेस क्या है. पब्लिक्स के लगभग हेल्प करती हूँ सबसे ज्यादा. ये तो आपकी स्ट्रेंथ हुई, ये आपकी वीकनेस नहीं हो सकती. तो आपकी वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है आप में. सॉरी सर एक्चुअली. चलिए ठीक है, फिर आप अपनी वीकनेस पे वर्क करिएगा, दैट वुड बी मोर बेटर फॉर यू. अब मुझे ये बताइए कि नेम द एलिमेंट दैट कॉम्प्राइज ट्राइंगल ऑफ फायर. ट्राइंगल फायर में क्या क्या होता है. एक तो फ्यूल होता है. फ्यूल होता है. यस सर. एंड फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन. ओके. दीस और दो जो सोर्सेज है फायर के, दे आर स्पार्क्स, फ्लेम्स, हॉट सरफेस, रेडिएंट हीट्स. तो ये कुछ सोर्सेज है रिगार्डिंग फायर. ओके. चलिए अब ये बताइए कि मान लीजिए कि आपको अगर मैं बोलूं कि कहीं पर फायर लगी हुई है. yes. और लोग प्रॉब्लम में हैं. हाँ जी. तो फायरमैन का सबसे पहले काम क्या होता है. सर उसे एमरजेंसी एक्शन लेना चाहिए जल्दी से जल्दी. बिल्कुल. यस. और लोगों को जल्दी से जल्दी साइड करना चाहिए. वेरी गुड. सबसे पहला जो काम है, बिल्कुल सही कहा आपने, दैट इज पब्लिक प्रोटेक्शन. यस. अगर वो पब्लिक को प्रोटेक्ट कर लेता है. yes, तो दैट वुड बी मोर बेटर. yes. राइट. कि जनहानि नहीं होनी चाहिए सबसे. हाँ पहले ये जरूरी है. ओके. और जैसा आपने बोला कि एक्शनेबल होना चाहिए, एक्शंस बहुत जल्दी ले वो. हाँ जी. हाँ जी. ओके. सो मुझे लगता है कि जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, यू हैव ट्राइड योर बेस्ट. ओके. आपने अपनी तरफ से अच्छा दिया है. और जितने भी आपने नाम लिए थे रिगार्डिंग फायरमैन का जो वर्क वगैरह, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर बताना चाहूँगा क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वॉन्ट टू गो फॉर इंटरव्यू. तो फायर फाइटर रिस्पॉन्ड टू फायर सबसे पहले, एक्सीडेंट्स एंड अदर इंसिडेंट्स वेयर देर आर रिस्क ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इसके अलावा आप बोल सकते हैं फायर फाइटर्स हेल्प प्रोटेक्ट द पब्लिक इन इमरजेंसी सिचुएशंस. दे रेस्पॉन्ड टू ए वाइड वेराइटी ऑफ कॉल्स सच एज फायर्स
They assist at car crashes, chemical spills, flooding and water rescues. तो ये बहुत से कार्य होते हैं फायर मैन के, जिसके अंदर वो सपोर्टिव रहते हैं लोगों के लिए. और जैसा कि आपने क्वालिटीज बताई कि एक फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, और कम्युनिकेशन स्किल्स, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, ये कुछ क्वालिटीज हैं जो एक फायरमैन में होनी ही चाहिए. तो मुझे उम्मीद है कि आज के जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए, यू हैव ट्राइड योर बेस्ट. ओके, सो टेक माय बेस्ट विशेस, यू विल डेफिनेटली कम अप. थैंक यू.